कला नशा से दूर थया थे आप दूर थे हुआ समाज जो शिक्षा समाज जो शिक्षा पोषण पोषण जो सेठी समाज का जो सेठी समाज का जागरूक करवा जागरूक समस्त विभागीय स्टाल का कलेक्टर महोदय के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। अतः अपने स्टाल पे पूर्ण तैयारी के साथ आप रहे। एक एक विभाग का जो विशिष्ट जनजाति के लोग यहाँ पर बसा हुए हैं, किस तरह की इनको लाभ मिलेगा? पीएम जनमन योजना की शुरुआत जो है वो ज़िले में पिछले 3-4 महीने से हो चुकी है और काफ़ी कुछ काम कर लिया गया है। इसमें दो प्रकार की योजना है, एक इंडिविजुअल बेस्ड है और एक जो है वो सामुदायिक बेस्ड है। इंडिविजुअल बेस्ड में आधार कार्ड से शुरू करके आयुष्मान योजना का लाभ, श्रम कार्ड बनाना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन देना, अकाउंट्स खोलना, पेंशन योजना का लाभ देना, बीमा योजना का लाभ देना, ये जो इंडिविजुअल से ओरिएंटेड है। और कम्युनिटी आधारित में बसाहट तक नल जल पहुँचाना, घर की सुविधा करके देना, रोड्स को पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाना, ये कम्युनिटी ओरिएंटेड है। अभी वर्तमान में हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिविजुअल ओरिएंटेड जितनी है उसको हम 30 जनवरी तक सैचुरेशन मोड में लेके आ जाए, और जो कम्युनिटी आधारित है वो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सैंक्शन किए उन पर काम वर्तमान आज से स्टार्ट हो जाएगा। आपने भी आज चौंकाया है कि हमारी भाषा में संबोधित किया उन्हें और शपथ भी दिलाई, तो इसके लिए आपने कितने दिनों से प्रैक्टिस की? प्रैक्टिस नहीं, एक विचार है कि जब हम आते हैं और बात करते अपनी भाषा में बात करते तो जिस व्यक्ति को हम फ़ायदा दिलाना चाहते हैं उस व्यक्ति तक वो बात पहुंचती नहीं। तो ये पूरे ज़िला प्रशासन का एक संयुक्त प्रयास है कि जब हम जनमन के कार्यक्रम को लेकर बात करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उसी भाषा में बात करें कि उनको हमारी बात समझ में आए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी सरलता भी काफ़ी ना कहीं यहाँ पर विशेष चौंकाने वाली रही है और लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरह क्या ये टीम वर्क है, पूरा जिला प्रशासन एकजुट होकर काम कर रहा है। मैम, आम तौर पर विशेष पिछड़े जनजाति के जो लोग हैं कहीं ना कहीं समस्याओं से जूझते हैं, उनको आगे किस तरीके से एफर्ट किया जाएगा उनको योजनाओं का लाभ दिलाने या उनको बेहतर के लिए? दो चीज़ें हैं, वो समस्याओं से जूझते तो है और समस्या से हर कोई जूझता है, पर उनके रहन सहन में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमको सीखने की भी ज़रूरत है। तो ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है कि जनमन में हम उनको लाभान्वित करेंगे, जनमन में वो भी हमको लाभान्वित कर रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें जो हमको उनसे सीखने की आवश्यकता है। बाकी एक झिझक का माहौल है, उनके बच्चे खुल के अपनी बात रख नहीं पाते, उनकी जो प्रतिभा है वो उभर नहीं पाती, उसमें हम विशेष प्रयास करेंगे। मैडम, पूर्व में भी कमारों के लिए कई योजनाएं केंद्र से भी राज्य से भी संचालित हुआ लेकिन सही ढंग से लागू नहीं हुआ। इस बार जिला प्रशासन खासतौर पर धमतरी, क्योंकि नगरीय विकास खंड में कमार जातियों की संख्या अधिक है, तो किस तरह से कार्य करेंगे? हम टीम बना के काम करेंगे। मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूर्व में काम नहीं हुआ है, पूर्व में भी काम हुआ है, ये एक निरंतर प्रोसेस है। अगर आज मैं बोलूं कि 30 जनवरी को सैचुरेट कर लेंगे तो 30 जनवरी तक जो व्यक्ति वो सैचुरेट हो जाएगा, 1 फरवरी को कोई नया व्यक्ति पैदा हुआ तो उसको वापस सैचुरेट करना ही पड़ेगा। तो ये एक निरंतर प्रोसेस है और हम टीम बना के पूरा जिला प्रशासन इसमें एकजुट होकर काम करेगा। यहीं से लगा हुआ अंतर्राज्यीय एक सीमा भी है, उड़ीसा में लगती है, वहाँ से बड़ी संख्या में वहाँ से धान आ रहा है, हमने भी कल रात को देखा, अब सारी गाड़ी आ रही है, इसको लेकर निगरानी समिति बनी लेकिन धरातल पर नजर नहीं आती, इसको क्या देखेंगे आप गंभीरता से? बिल्कुल, उसको गंभीरता से देखा जाएगा, अवैध धान पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू मैम। मेरे परिवार के ही सदस्य नहीं सर, हम हॉस्टल पे रहते हैं। शिविर में जितने भी पंडाल लगे हैं उनका भ्रमण किया जाएगा जिला कलेक्टर महोदय जी के द्वारा। एक अमार भाषा में तुम्हारा संबोधित करी से अमार भाषा में तुम्हारा शपथ दिलाई तो का बोलना चाहोगे बारे में? आप हमन हमारे कलेक्टर साहब धन्यवाद चाहबो, और का करबो कलेक्टर महोदय ला धन्यवाद करबो भाई कि हमर भाषा ला ओला बोला नहीं का बोला देना ओला बोला नहीं। आज बहुत खुश लागी हमर कलेक्टर साहब हा आज हमर कमार भाषा ला समझी और हमन हमर सन में बहुत समझे के प्रयास करी और हम हमर सन में बात करी। आज वाला धन्यवाद देबो कि आगे लाए के कोशिश बहुत अच्छा करी कमार समाज ला और भाषा भी सीखेला, वातावरण में भी रहे पर वो कोशिश करा थे और करते रही। हमन कलेश्वर साहब ला हम पीछे नहीं छोड़न, जब तक कि हमार जिंदगी रही तब तक के कलेक्टर पर शासन पर शासन ला हम नहीं छोड़न, आगे आके कोशिश करबो। भाई भगवंत से और मैं कक्षा 11वीं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पढ़ती हूँ और कलेक्टर मैम से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और इस कार्यक्रम में मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। और मैं ग्राम बरबांधर से आई हूँ, मैं कमार जनजाति की हूँ और
मैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगी जो बहुत सारे हमारे लिए योजना बनाए। बेटा आपने जो जनमन कुछ गाना गाया है वो कौन से भाषा में गाया, कैसे गाया बताए? हम प्रधानमंत्री जो योजना बनाए थे उसी के संबंध में बनाया है और वो कमार भाषा है। थोड़ा सा गा के सुना। कितने दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे थे? बहुत दिनों से। थोड़ा सा बोल के बताओ। प्रधानमंत्री जन मन सेवका हो सफेद मैं के पक्की कुड़िया, हो सफेद मैं के पक्की कुड़िया। कौन सा भाषा? कमार भाषा।